अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं रोल थ्योरम की, हमने स्टेटमेंट उसका फुल जो है वो प्रूव किया। अगर आप लोग उस लेक्चर को देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में भी हम जो है वो थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट नहीं करने जा रहे। अच्छा, इससे पहले हमारे पास एक और थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है मीन वैल्यू थ्योरम। और मैंने जो है वो पहले रोल थ्योरम इसलिए करवाया था क्योंकि रोल थ्योरम को समझने के बाद, उसको करने के बाद आप लोग जो है वो इजिली मीन वैल्यू थ्योरम को कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम की। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट समय जब भी कोई लेक्चर लेके आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखें जी, ये भी जो है वो बिल्कुल रोल थ्योरम की तरह एक सिंपल थ्योरम है। आप लोगों ने जो है ना वो इसको ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मैं मजीद जो है इसको सिंपल कर दूंगा आपके लिए। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की बात करें, लेट आपके पास एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। फर्ज करके आपके पास जो है ना वो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि हमारे पास दो कंटिन्यूस यहाँ पे आपको दी हुई, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, जो है ना हमेशा जो है ना वो कंटिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल के ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि इसके हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो पॉइंट ए और बी है उसके ऊपर भी कंटिन्यूस है, और ए और बी के दरमियान जितने भी इनफाइनाइट मैनी जो है ना वो पॉइंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी कंटिन्यूस है। और सेकेंड ये कि डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल जो है ना वो कभी भी क्लोज इंटरवल पर नहीं होता, ये ओपन इंटरवल पर होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास स्टार्ट वाला ए और बी है यहाँ पे, लेट्स सपोज हम यहाँ पे जो है ना वो कोई ग्राफ बना के चेक करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे एक कॉर्नर है, ये हमारे पास यहाँ पे एक कॉर्नर है, तो कॉर्नर के ऊपर जो है ना वो कभी भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए जो है ना वो हम यहाँ पे कहते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा तो वो ओपन इंटरवल के ऊपर, क्योंकि इस कॉर्नर के ऊपर जब आप लोग जो है ना वो टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो इन्फिनिट मैनी जो है ना वो यहाँ पे पॉइंट से वो टच करके गुजरती है, सिंगल पॉइंट टच करके नहीं गुजरती, इसलिए जो है ना वो आप लोग यहाँ पे कहते हैं कि डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देन फिर हमारे पास क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सी, इस जो है ना वो इंटरवल के दरमियान हमारे पास ए और बी के दरमियान कोई भी एक ऐसा एलिमेंट सी एग्जिस्ट करता है, सच दैट किस तरह के, अगर उसका हम डेरिवेटिव लें, उस जो हमारे पास पॉइंट इस इंटरवल के अंदर हमारे पास जो पॉइंट है उस पॉइंट को अगर फंक्शन में पुट करके उसका डेरिवेटिव ले तो इसके बराबर आता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ये चीज हमने साबित करनी है, ये चीज हमने प्रूव करनी है, ये यहाँ पे हमने इसको प्रूव किया हुआ है, सिंपल है। मैं जो ना वो आसा आसा स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलता हूँ ताकि ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको समझ आए। तो बात करते हैं प्रूफ की। सबसे पहले कहता है कि वी चूज एन अदर फंक्शन, हम जो ना वो एक फंक्शन चूज करते हैं क्योंकि हमने इसको लेके चलना है, इसको सॉल्व करना है, उसके लिए हमें कोई ना कोई फंक्शन चाहिए, उसके लिए हम जो ना वो लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है फाई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एम एफ ऑफ एक्स प्लस एन एक्स। अच्छा, ये फंक्शन मैंने क्यों चूज किया है, मैंने जो ना वो ऐसा फंक्शन चूज करना है जो हमारे पास कंटिन्यूस हो इंटरवल ए बी के ऊपर और डिफरेंशिएबल हो इस ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। अब ये फंक्शन मैंने यहाँ पे वही लिया, फाई ऑफ एक्स मैंने कंसीडर किया और फंक्शन हमारे पास यही है जो ये एफ ऑफ एक्स है, जस्ट मैंने इसको जो है ना वो फंक्शन बनाने के लिए इसके साथ एम लगा दिया और यहाँ पे एन एक्स लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास एम है, वेयर एम एंड एन आर कॉन्स्टेंट, एम भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है और एन भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है, और ये जो हमारे पास एन एक्स है ये बेसिकली हमारे पास एक पॉलीनोमियल है, ठीक है जी। अब देखिए, ये हमने एक फंक्शन जो है ना वो कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से, यहाँ पे m और यहाँ पे n, पीछे जो रोल्स थ्योरम था उसके अंदर m और n हमारे पास, m सुप्रीमम था और n इनफिमम था, लेकिन यहाँ पे m भी कॉन्स्टेंट है और n भी कॉन्स्टेंट है, तो ये जो है ना वो फंक्शन के साथ कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो है ना ये आपके पास एक पॉलीनोमियल है, ठीक है जी। अब m एंड n और कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, अब उसके बाद जो है ना वो हम लोगों ने क्या देखना है, तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर जो है ना वो हमारे पास इस तरह का फंक्शन आना चाहिए कि अगर उसके अंदर हम कोई ए पॉइंट पुट करें इस फंक्शन के अंदर, ये हमारे पास जो है ना वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए, अगर इसके अंदर हम जो है ना वो किसी पॉइंट ए पे इस फंक्शन को चेक करें और किसी पॉइंट बी पे इस फंक्शन को चेक करें, ये हमारे पास इंटरवल है ना ए बी, अगर मैं ए पॉइंट पे इस फंक्शन को चेक करूं और बी पॉइंट भी इस फंक्शन में पुट करके चेक करूं, दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये वाला फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके जो हमारे पास ए पे
और बी पे इक्वल वैल्यू दे रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फाई ऑफ ए अगर इसमें ए पुट करें तो वही आंसर आए, फाई ऑफ बी अगर यहाँ पे एक्स के बी पुट करें तो फिर भी वही आंसर आए। तो लहा हमने कंसिडर किया कि यही हमारे पास वो ऐसा वैसा फंक्शन है जो हमारे पास फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी के ऊपर बराबर है, इक्वल हमने कंसिडर कर लिया। अब देखें जी हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि इस फाई ऑफ ए को हमने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास बन गया एम एफ ऑफ ए प्लस ये बन गया एक्स यहाँ पे ए पुट किया तो ये एन ए बन गया। इसी तरह से बी को पुट किया इस फंक्शन के अंदर तो यहाँ पे ये हमारे पास बन गया एम एफ ऑफ बी प्लस एन बी, ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एम एफ ऑफ ए को साइड पे कर लिया, एम एफ ऑफ बी को भी इसके साइड पे ले आए तो इधर आ गया माइनस का हो गया, एम वाले मैंने साइड पे कर लिए और एन वाले मैंने साइड पे कर लिए। तो मैंने एम वाले साइड पे किया तो ये हमारे पास एम एफ ऑफ बी, सॉरी ये हमारे पास एम एफ ऑफ बी, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का एम एफ ऑफ ए बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास एन ए है, एन बी को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का एन बी बन जाएगा। मैंने इसको इस तरह से जरा वो सेपरेट कर लिया, एम वाली को सेपरेट कर लिया, एन वाली को सेपरेट कर लिया। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने m को कॉमन, क्योंकि m यहाँ पे भी है m यहाँ पे भी है, m को मैंने कॉमन लिया तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ गया। यहाँ पे हमारे पास अगर मैं कॉमन लेता हूँ n तो ये बनेगा a माइनस बी, लेकिन हमें बेसिकली क्या चाहिए, b माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे b माइनस ए है, हमें b माइनस ए चाहिए। तो उसके लिए मैंने कहा कि फिर माइनस एन को कॉमन लिया, अगर माइनस एन को कॉमन लेता हूँ तो ये हमारे पास उल्टा हो जाएगा, बी पहले आ जाएगा ए बाद में चला जाएगा, बी माइनस ए बन जाएगा। अब यहाँ से एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ये b माइनस ए इधर आके डिवाइड हो गया तो ये बन गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, यहाँ पे रह गया माइनस एन, ये m उधर जाके डिवाइड हो गया तो ये बन गया माइनस एन ओवर m। इसको जो है वो मैंने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया जी, इसको मैंने वन का नाम दे दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या होने जा रहा है, अब देखें जी, अब क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए ये किसके बराबर है, एफ प्राइम ऑफ सी के बराबर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस एन ओवर एम, इसका मतलब ये है कि अब माइनस एन ओवर एम की जगह पे हमने क्या लेके आना है, एफ प्राइम ऑफ सी, यानी कि आप इसको इसके बराबर प्रूफ करेंगे, फिर इस यहाँ पे जाना वो सब्सिट्यूट करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर जाना ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा, हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। अब इसको कैसे हम लोगों ने प्रूफ करना है, देखें जी, सिंस क्योंकि हम जानते हैं ये जो हमारे पास फाई ऑफ एक्स है ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, ये जो हमारे पास फंक्शन ये भी ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, इसी तरह ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है ऊपर इंटरवल ए बी के, हम ये भी जानते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है ऊपर इंटरवल ए बी के ऊपर। इसी तरह आप देखें, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर एंड पोलिनोमियल, और ये जो पोलिनोमियल हमारे पास हमने यहाँ पे कंसिडर की थी एन एक्स, हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो भी कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर और डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, बिल्कुल सेम चीजें। और हमने जरा यहाँ पे क्या सीखा, फिर फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, ये भी हमने पढ़ा था कि फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी, यानी कि ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये वाला फंक्शन जो है ना वो आपस में इक्वल है, इनकी सेम वैल्यू जो है ना वो पुट करें तो सेम आंसर आता है, सेम वैल्यू आती है। अब ये तीनों कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं पीछे वाले लेक्चर में रोल्स थ्योरम के अंदर, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि रोल्स थ्योरम लाजमी देखिए जाके, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पहली कंडीशन थी कंटिन्यूस ऑन ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी और फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी, और ये तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम में जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं, रोल्स थ्योरम यही था, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, देन बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, हमने पढ़ा था कि रोल्स थ्योरम में ए और बी के दरमियान एक एलिमेंट सी एग्जिस्ट करता है सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी विच इज इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि हमने यहाँ पे जो फंक्शन कंसिडर किया वो फाई ऑफ एक्स है तो यहाँ पे फाई ऑफ सी फाई प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जीरो बन जाएगा, ठीक है। जिस तरह हमने जाना रोल्स थ्योरम में पढ़ा था कि एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हमने फंक्शन फाई कंसिडर किया हुआ है तो ये फाई प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारे पास फंक्शन कौन सा था, ये वाला फंक्शन जो हमने कंसिडर किया था फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एम एफ ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ एक्स। अब हम लोगों ने ये चीज निकालने के लिए हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लिया और यहाँ पे एक्स का सी पुट किया तो ये बन गया फाइव प्राइम ऑफ सी विच इज इक्वल टू एम, एम कॉन्स्टेंट है वैसे ही आ गया, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स ए बी सी पुट कर दिया प्लस एन कॉन्स्टेंट है वैसे ही एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा,
ये मैंने इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ले लिया, इसके बाद हमारे पास फाइव प्राइम ऑफ सी जीरो के बराबर है तो यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, ये हमारे पास आगे एम एफ प्राइम ऑफ सी प्लस एन हमारे पास वैसे के वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, ये एन एक साइड पे लेके आगे, एन को इधर लेके आया तो इधर आके माइनस का एन हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा एम एफ प्राइम ऑफ सी। अब देखें जी एम जो है ना वो यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा माइनस एन ओवर एम, ये रह जाएगा जी एफ प्राइम ऑफ सी। अब माइनस एन ओवर एम किसके बराबर आ गए, एफ प्राइम ऑफ सी के बराबर आ गए, यही चीज हम साबित करना चाह रहे थे, यही चीज हम चाह रहे थे। तो माइनस एन एन ओवर एम की जगह पे एफ प्राइम ऑफ सी यहाँ पे लगाया वन में, क्वेश्चन नंबर वन में माइनस एन ओवर एम की जगह पे मैंने लगाया एफ प्राइम ऑफ सी, तो ये किसके बराबर आ गया, तो यही चीज है ना हम साबित करना चाह रहे थे कि माइनस एन ओवर एम इक्वल टू आ गया आपके पास है ना एफ प्राइम ऑफ सी के। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस एन ओवर एम की जगह पे एफ प्राइम ऑफ सी है, ये क्वेश्चन नंबर वन में इसमें वन में पुट कर देंगे, माइनस एन ओवर एम की जगह पे हमने पुट कर दिया एफ प्राइम ऑफ सी, तो ये हमारे पास आ गया एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। यही था हमारे पास जाना वो इस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ, एफ प्राइम ऑफ सी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव हो चुका है बहुत ही सिंपल और बहुत इजी वे में, मैंने कोशिश की आपको समझ आए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर किया करें। इसके बाद इंशाल्लाह जाना वो नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।